आज की वीडियो में आपको रुबीना दिलीप की अपनी ट्विन डॉटर्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, रुबीना दिलीप ने लगभग एक महीने पहले ट्विन डॉटर्स को जन्म दिया। रुबीना ने 27 नवंबर को अपनी ट्विन बेबीज को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने एक महीना ये न्यूज़ अपने फैंस से छुपा कर रखी। और जब उनकी बेटियां एक महीने की हो गई तो उन्होंने ये न्यूज़ अपने फैंस के साथ शेयर की। आपको बताते चलें कि जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशंस सभी सेलिब्रिटीज़ बहुत अच्छे से अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं पर रुबीना ने भी न्यू ईयर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की और अपने फैंस के साथ इस क्यूट सेलिब्रेशंस की पिक्चर शेयर की। हम देख सकते हैं कि रुबीना दिलीप ने अपने फैंस के लिए अपनी ट्विन बेबीज़ की पिक्चर्स भी शेयर की हैं। रुबीना और अभिनव शुक्ला ने दोनों ने स्लिंग बॉडी बैग में अपनी बेबीज़ को पकड़ रखा था और दोनों क्यूट बेबीज़ बहुत ही क्यूट हैं। रुबीना ने इस सब के साथ कैप्शन में लिखा कि न्यू ईयर न्यू बिगिनिंग विद द फैमिली ऑफ फोर। रुबीना दिलीप ने अपनी ट्विन बेबीज़ के नाम के बारे में भी बताया है और उन्होंने अपनी बेटियों के नाम एदा और जीवा रखे हैं। उन्होंने अपनी बेटियों के नाम के बारे में फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब ब्लॉग में बात की है और बताया है कि एदा उनकी बड़ी बेटी का नाम है और जीवा उनकी छोटी बेटी का नाम है। दोनों के नाम उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखे हैं और एक महीने के बाद अपनी बेटीज़ के नाम शेयर की हैं। आपको ये भी बताते चलें कि रुबीना ने अभी तक अपनी ट्विन डॉटर्स का फेस रिवील नहीं किया है, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी बेटियों का फेस रिवील भी कर देंगी, लेकिन समय आने पर, और उनके फैंस को उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? आपको रुबीना दिलीप की क्यूट सी फैमिली सेलिब्रेशंस कैसी लगी? आपने न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट किया? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।